हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज के सेशन में दोस्तों 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। डेली बेसिस में आप सबके लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसे आप प्रैक्टिस करना न भूलें। जैसा कि आपका एग्जाम बीपीएससी TRE 3 का 10 से 12 जून को डिक्लेयर किया गया है और TRE 4 का भी एग्जाम 24 अगस्त को, तो दोस्तों आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जिससे आपको एक सीट मिल सके। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन ऑल चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप दिया गया है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस एंड BPSC TRE 2 में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है 79 वीडियोज का। उस सारे वीडियोज आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए और मैं डेली बेसिस पे जो आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ ये सभी प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, सीखने में प्रगति की दर घट जाती है और एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाती है जिसके आगे जाना असंभव प्रतीत होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम सीखने में पठार यानी प्लेटू इन लर्निंग कहा जाता है। यहाँ पे पठार आपका राइट होगा। जैसे कि दोस्तों सीखने के वक्र के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और मिश्रित। ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेटिव कर्व जो होता है वह उत्तरोत्तर होता है, कॉन्वेक्स होता है, यानी कि आरंभ में सीखने संबंधित गति तीव्र होती है ऋणात्मक में और बाद में मंद हो जाती है। तो ऋणात्मक का जो वक्र बनता है इस प्रकार का बनता है एंड धनात्मक का जो बनता है इस प्रकार का बनता है, ठीक है। और जो मिश्रित वक्र बनता है वह इस प्रकार का बनता है। फिर दोस्तों आपका जो प्लेटू बनता है, प्लेटू आपका एकदम समतल बनता है। तो ऋणात्मक जो वक्र बनता है आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है बाद में मंद हो जाती है। जहां कार्य आसान होता है, पहले से अनुभव होता है कार्य का, वहां इस प्रकार का वक्र बनता है। एंड दूसरा होता है धनात्मक प्रगति सूचक, जो कॉन्वेक्स यानी अवतल, जिसे आपका थाली होता है, जैसे दूसरा वाला है ये आपका अवतल कॉन्वेक्स प्रकार का कर्व बनता है वक्र। यहाँ आरंभ में धनात्मक में आरंभ में सीखने की गति मंद होती है बाद में तीव्र होती है, जहाँ नया कार्य होता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र, जो सीखने की जो व्यक्ति होता है यहाँ पे घटता बढ़ता रहता है, किसी भी शक्ल ले सकता है जो यस या सी आकार का हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा समय आता है कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है दोस्तों, जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, दिखाई देती है, कुछ समय के लिए रुकी हुई दिखाई देती है। यानी कि जो वक्र की रेखा नीचे या ऊपर जाने की बजाय सीधे चलने लगती है और एकदम सपाट हो जाती है, जैसे कि ये आपका, तो इसे सीखने में पठार कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण आधारित चिकित्सा किसने विकसित किया था? तो आप सबको पता है सिगमंड फ्रॉयड ने। नेक्स्ट दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की विधियों का विवरण है। तो मूल्य निर्धारण पैमाना, अंतर्विच्छाएं और निरीक्षण, पेपर और पेंसिल टेस्ट, ये सभी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एरॉस सूचित करता है। तो दोस्तों एरॉस जो है क्या सूचित करता है? यह जीवन की मूल प्रवृत्तियों को, किसको सूचित करता है? जीवन की मूल प्रवृत्तियों को सूचित करता है एरॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार आंतरिक कृत पिता कौन है? दोस्तों मन को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, इड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्सियस, सबकॉन्सियस। तो जो हमारा सुपर ईगो होता है वो नैतिक मन होता है, आंतरिक मन होता है, ठीक है। यहाँ पे सुपर ईगो पर अहम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षा को हृदयंगम करने में कौन सी भाषा सर्वाधिक सहायक है? तो दोस्तों, कोई भी शिक्षा हो सबसे उत्तम मातृभाषा में ही हो सकता है। नेक्स्ट है, नवीन पाठ्य विषय पढ़ाने से पहले प्रायः पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है? तो दोस्तों, जो बेसिक आपका क्लियर रहेगा तभी आपका एडवांस क्लियर रहेगा। तो हम नवीन कोई पाठ स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके पूर्व पाठ को हम दोहराए, उससे कुछ जो सीखे रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पूर्व पाठ को क्यों दोहराया जाता है, इसलिए क्योंकि पूर्व पाठ से नवीन पाठ से संबंधित करने के लिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण कब प्रभावी हो सकता है? तो दोस्तों, विद्यार्थियों को प्रदान किया गया जो शिक्षण होता है वह तब प्रभावित होगा जब हम बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा देंगे। पता चला बालक का अभी मानसिक स्तर उतना हुआ ही नहीं, आप एडवांस लेवल का उसको सिखा रहे हैं, तो बच्चा जो है और मानसिक दबाव के कारण नहीं सीख पाएगा और वो बोझिल महसूस करेगा। इसलिए बच्चे के मानसिक स्तर को सबसे पहले जानना चाहिए, उसके बाद उसके अनुरूप शिक्षा देना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए क्या मुख्य रूप से आवश्यक है? तो दोस्तों, क्या नोट्स बनाना या व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना? तो अगर प्रभावी या सफल शिक्षण चाहते हैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा अगर आप किसी चीज को समझाएंगे तो आपका ज्यादा शिक्षण जो है वो प्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा विषय को स्पष्ट करना। नेक्स्ट दोस्तों, बालक के किस विकास में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक सहायक है? तो आपको पता है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल सभी प्रकार के विकास करता है एक व्यक्ति का। तो यहाँ पे सर्वांगीण विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपकी शिक्षा किस परिणाम में सफल है? दोस्तों, कोई भी शिक्षा हो जब तक वो आपको अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आत्मसंतोष नहीं देगा, तो वो शिक्षा किसी काम का नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मसंतोष। नेक्स्ट है, अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होने पर आप किस पर सर्वाधिक बल देंगे? तो दोस्तों, आप किसी क्षेत्र के ज्ञाता हैं, अधिक पढ़े लिखे हैं, तो आप किस पे ध्यान देंगे? तो आप अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में पूर्ण रूप से सहायक होता है? दोस्तों, तो कोई भी उत्तम शिक्षा जो आप ग्रहण किए हैं अगर वो आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाता तो वो शिक्षा किसी काम के नहीं है, यानी कि आपने सही शिक्षा ग्रहण नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पे उत्तम शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्या बनाने में सहायक है? आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड। नेक्स्ट दोस्तों, अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की खोज जो है 1920 में रेंडले व गॉर्सर विकिरा के द्वारा किया गया, जो सहनशीलता व गति सहनशीलता को डेवलप करती है। और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को, अंतराल प्रशिक्षण को टेरेस प्रशिक्षण भी कहते हैं और रेस्ट एंड कैफोर्ड या आराम एवं प्रयास विधि भी कहते हैं, क्योंकि यह इसमें अतिविता पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि दो अभ्यासों के मध्य इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी यानी अधूरी क्षतिपूर्ति दिया जाता है। एंड इसमें अभ्यास जो है, जैसे कि हार्ट रेट हमारा अभ्यास के दौरान 180 तक पहुंच जाता है, 180 तक पहुंचते ही अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर 120 से 130, 180 तक पहुंचते ही अभ्यास को रोक दिया जाता है। और जैसे ही 120 130 पर हार्ट रेट पहुंचता है तो अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर पुनः क्रियाकलाप को स्टार्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी होता है। तो यहाँ पे अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? यहाँ पे खोज तो 1920 में हुआ, लेकिन प्रयोग जो हुआ वो 1930 से हुआ। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सी प्रशिक्षण विधि अभ्यास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति फिर
प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। अभी जस्ट में बताई हूँ, यह अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से रिलेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? तो आप सबको पता है फॉर्टलेक एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है स्पीड प्ले। फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड की खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था जो इंडोरेंस डेवलप करता है, और फॉर्टलेक शब्द स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिज खेल यानी स्पीड प्ले, और यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से नॉट प्रॉपर प्लानिंग तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो लेजियम के हैंडल की लंबाई 15 से 18 इंच के लगभग होती है। नेक्स्ट है, 1982 एशियन खेलों में कितने व्यक्तियों के समूह ने लेजियम का प्रदर्शन किया? तो प्रथम एशियन खेल 1951 नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, एंड फिर 1982 में भी जो एशियन खेल था नई दिल्ली में हुआ था, और इसमें कितने व्यक्तियों के समूह ने लेजियम का प्रदर्शन किया था? तो 400 व्यक्तियों के समूह ने। नेक्स्ट है, मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधि प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधि प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का क्या होता है? माध्य या माध्यिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानक में से कौन सा मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? तो दोस्तों, अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है सतमक मानक का प्रयोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवस्था लेजियम की नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पवित्र हथियार, पीछे फ्लांग, चार आवाज ए लेजियम से संबंधित है, बट जानती जो है वो लेजियम से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर खिलाड़ी क्रियाशील नहीं होते हैं तो उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना भी आवश्यक नहीं होता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों, जैसे कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में 10-12 सिद्धांत मैंने बताया हुआ है, जिसमें से एक क्रियाशील नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षक ही एक खिलाड़ी को क्रियाशील सहभागिता के लिए तैयार करता है, कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? तो दोस्तों, यह भी क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत कहलाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल एवं खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के लिए प्रशिक्षण चक्रों में प्रशिक्षण विभाजित करके दिया जाता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों, चक्रों में विभाजित करके किया जा रहा है, यह चक्रीयता का सिद्धांत कहा जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग साइकिल मैक्रो चक्र, मेजो चक्र एंड माइक्रो चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण चक्रीयता को कितने प्रशिक्षण चक्रों में विभाजित करते हैं? तो दोस्तों, प्रशिक्षण चक्रीयता को 3 प्रशिक्षण चक्र में विभाजित किया गया है, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। नेक्स्ट है, चक्रों का मुख्य उद्देश्य क्रमबद्ध प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साधनों का सही उपयोग करना होता है, तो यह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह ट्रेनिंग साइकिल कहलाता है, तो यहाँ पे मैक्रो चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैक्रो का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, 3 ट्रेनिंग साइकिल होता है, ट्रेनिंग साइकिल जो है 3 होते हैं, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो चक्र, जिसमें से मैक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना भी एंड वार्षिक चक्र भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग साइकिल होता है 3 से 12 महीने का या 1 साल का, इसलिए इसको वार्षिक चक्र भी कहते हैं, या राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक चक्र। एंड दूसरा होता है मीजो चक्र, जिसे तैयारी काल या मासिक ट्रेनिंग चक्र या मासिक चक्र या अवसन चक्र भी बोलते हैं, और ये 3 से 6 सप्ताह का यानी 1 से 1.5 माह का होता है।
तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो सबसे छोटा चक्र होता है, जिसे सूक्ष्म अवधि चक्र या साप्ताहिक योजना भी कहते हैं, जो 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट है मैक्रो चक्र की अवधि कालिंदा की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है तैयारी काल अवस्था किस चक्र को कहा जाता है, तो मीजो चक्र को तैयारी काल की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है MMR का इंजेक्शन निम्न माह में लगता है, तो MMR का जो इंजेक्शन होता है वो 15 माह के अंदर लगता है। नेक्स्ट है रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जा सकता है, तो दोस्तों जितने भी बैक्टीरिया वायरस फंगल्स हैं इनको नष्ट करने के लिए भौतिक विसंक्रामक, प्राकृतिक विसंक्रामक एंड रासायनिक विसंक्रामक, ये सभी चीज़ों का विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, जो आपका वरीवेला वायरस के द्वारा फैलता है यानी कि वायु द्वारा ही फैलता है, एंड खसरा मीजल्स जो है ये भी आपका मिक्सो या रूबेला मोरबिली वायरस के द्वारा फैलता है, यानी वायु द्वारा ये भी फैलता है, एक दूसरे पर चला जाता है। तपेदिक टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्षय रोग भी इसको बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है, यानी ये तीनों के तीनों वायु द्वारा फैलते हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जल द्वारा फैलने वाला रोग निम्न में से कौन है, तो हैजा, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार, मोतीझरा, आंत्र ज्वर भी कहते हैं, हैजा जिसे कॉलेरा बोला जाता है, और अतिसार, ये सभी जो है वो दूषित जल द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है, तो दोस्तों यह परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, J.F. विलियम्स की परिभाषा है। एंड नेक्स्ट है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं, यह कथन किसका है, दोस्तों आप सबको पता है जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो यह परिभाषा है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का। नेक्स्ट है दोस्तों किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति निम्न शब्द से हुई है, तो किन्सियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन्सिस प्लस लोगोस शब्द से हुआ है, तो किन्सिस एंड लोगस, जिसके इंसिस का मतलब होता है गति और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना यानी गति का अध्ययन। नेक्स्ट दोस्तों काइनेन यानी शब्द का अर्थ क्या है, तो किन्सिस यानी काइनेन का अर्थ होता है गति यानी कि चलना। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कितनी जुड़ी पसलियां पाई जाती है, दोस्तों बीच में हमारा जो वक्ष की हड्डी होती है मोटी हड्डी जिसे स्टर्नम बोला जाता है, उसी में दोनों तरफ 12 पसलियां जुड़ी रहती है, कुल 24 यानी कुल बोलेगा तो 24, जुड़ों में कहेगा तो 12 यानी कि 12 जुड़ी आपके राइट आंसर होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान देना होता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है इजी क्वेश्चंस गलती ना होने पाए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है, आई होप कि आप राइट आंसर दे दिए होंगे दोस्तों, अस्थियों के संधियों पर कौन सा तरल पदार्थ बना होता है जो अस्थियों को घिसने से बचाता है और गति करने में सहायक होता है और जिसके कम हो जाने से गठिया या अर्थराइटिस रोग हो जाता है, तो यहाँ पे अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड यानी कि साइनोवियल नामक द्रव होता है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है, तो दोस्तों चल संधि जैसे कलाई की संधि आपका हो गया, एक कॉन्डिलाइट ज्वाइन हुआ चल संधि के एग्जांपल है, गेंद गंडा संधि यानी कि जो होता है ये हमारे कंधे और बॉल एंड साकेट ज्वाइन भी इसे कहते हैं, कंधे और हिप में पाया जाता है, चल संधि का उदाहरण है।
कोहनी की संधि जो होती है वो हिंज ज्वाइन का उदाहरण है। ये तीनों के तीनों चल संधि के एग्जाम्पल है, बट जो कपाल की संधि है ये सूचर यानी कि अचल संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गेंद गड्ढा संधि शरीर के किस अंग में होती है। गेंद गड्ढा यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये हमारे कंधों और कुल्ले में होती है, शोल्डर एंड हिप में, जो सभी दिशाओं में गति करती है यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन एब्डक्शन एडक्शन सभी प्रकार के मूवमेंट्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी चूलदार यानी कि हिंज संधि कहलाएगी। तो दोस्तों हिंज संधि वह संधि होता है जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एक तल में यानी यूनिएक्सियल गति होती है, जैसे कि दरवाजा एक तरफ घूमता है, जैसे कि हमारा नी ज्वाइंट एल्बो ज्वाइंट उंगलियों का जोड़ जबड़ों का जोड़। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हिंज संधि है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो घुटने का संधि है आपका ये चल संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पहली और दूसरी रीढ़ कोशिकाएं एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को संधि को क्या कहा जाता है। दोस्तों हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी पहली हड्डी होती है एटलस, इसको भी याद रखिएगा बार बार पूछ लिया जाता है। एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को कीलदार संधि भी कहा जाता है, अचल संधि के अंतर्गत यह आएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है। जितना मानव शरीर का भार होता है उसमें से 45% भार मांसपेशियों का होता है, और उसमें से 45% में भी 40% केवल कंकाल मांसपेशी यानी स्केलेटल मसल्स यानी ऐच्छिक पेशियों का ही होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं यानी कि 600 से अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उसके हिसाब से 650 यानी 639 सही दिया नहीं है तो 639 से ज्यादा जो दिया रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक हैं। तो दोस्तों फेफड़े आप ये अनैच्छिक में स्मूथ मसल्स में आती हैं, और हृदय मांसपेशियां तो अनैच्छिक में आती ही है, एक हृदय मांसपेशी तीसरे प्रकार का है ही। जो हमारा हाथ है ये ऐच्छिक मांसपेशी है, जो हमारे मस्तिष्क से मोटर न्यूरॉन से जब कोई इम्पल्स आवेग आता है तब हमारे इच्छा अनुसार कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अनैच्छिक की तरह कौन सी मांसपेशी कार्य करती है। दोस्तों तो अनैच्छिक की तरह यहाँ पे जो हाथ है पैर है जीभ है ये ऐच्छिक की तरह काम करती है, जबकि हृदय जो है हमारे इच्छा पर नहीं, हम सोते उठते जागते हमेशा धड़कता रहता है यानी अनैच्छिक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पथ दौड़ के लिए ग्रीष्मवासियों द्वारा किस प्रकार के दौड़ पथ बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे सीधा पथ बनाया जाता है। नेक्स्ट है पेंटाथलान नामक शब्द में पेंटा और एथलॉन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों पेंटा मतलब पांच, एथलॉन मतलब पत्तियां यानी कि पांच पत्तियां, ठीक है। पेंटाथलॉन का मतलब होता है पांच पत्तियां। इसमें मॉडर्न पेंटाथलॉन में पांच इवेंट्स शामिल हैं, जिसे फेंसिंग यानी तलवारबाजी, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स जंपिंग, निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री। दोस्तों हेप्टाथलॉन डेकाथलान पेंटाथलान एंड ट्रायथलान इस सब के बारे में आपको जानने के लिए एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और कंबाइंड इवेंट्स के चारों पार्ट को देखिए, जिसे आपको शॉर्ट में एक ट्रिक के द्वारा बताया गया है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो ने किस खेल में दक्षता हासिल की थी। तो दोस्तों प्लेटो जो है जो आदर्शवाद के जन्मदाता हैं उन्होंने मल्ल युद्ध में दक्षता हासिल की थी। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।